कंज्यूमर स्टॉक से थोड़ा सहारा भी है ब्रिटानिया। नुपुर हमारे साथ तैयार बताने के लिए, कैसे रहेंगे ब्रिटानिया के नंबर्स? नुपुर बताइए। ब्रिटानिया के नंबर्स अच्छे रह सकते हैं, 13% का अनुमान है, इस बार आय बढ़कर आ सकती है। कामकाजी मुनाफा देखिए तो 28% की ग्रोथ लेके चल रहे, करीबन 700 करोड़ के आसपास कामकाजी मुनाफा आ सकता है। इनफैक्ट जो मार्जिन होंगे वहां पर भी एक्सपेक्टेशन है कि वो बढ़ के आ सकते हैं। पिछले साल कंपनी ने 15.5% के मार्जिन किए थे, इस बार एक्सपेक्टेशन है कि 17.5% के मार्जिन हो सकते हैं। और मुनाफा भी देखे तो 500 करोड़ के आसपास आपको दिखेगा, वहां पर भी 32% की ग्रोथ का अनुमान है। 2 से 2.5% की वॉल्यूम ग्रोथ लेकर चल रहे हैं, बहुत वॉल्यूम ग्रोथ तो आ ही सकती है क्योंकि 2 से 2.5% इन कंपनीज के लिए पॉसिबल है। साथ ही साथ जो कंपनी ने अपने दामों को बढ़ाया उसके चलते भी आपको एक बहुत स्ट्रांग वैल्यू ग्रोथ आपको नजर आएगी जो सपोर्ट करेगी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ को। साथ ही साथ ग्रॉस मार्जिन और एबिटा मार्जिन दोनों में ही इस बार एक्सपेक्टेशन है कि सुधर कर आने वाले, पिछले तिमाही से और पिछले साल से भी कंपेयर करेंगे तो यहां पर इंप्रूवमेंट नजर आ सकता है। मैनेजमेंट की कॉमेंट्री इंपॉर्टेंट रहने वाली है 2-3 चीजों पर, सबसे पहले रूरल डिमांड, साथ ही साथ मार्जिन पर और जो इंटरकॉपर डिपॉजिट है उस पर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री जो होगी वो इंपॉर्टेंट होगी। तो दो चीजें वैल्यू और वॉल्यूम दोनों पर रखनी है नजर। वॉल्यूम ग्रोथ ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। शरद जी थोड़े सुस्त नंबर्स कल हमने डाबर से देखे थे, एचयूएल ठीक ठाक था, मिला जुला था, ब्रिटानिया से कोई खास एक्सपेक्टेशंस? ईयर ऑन ईयर तो थोड़े नतीजे ठीक दिखने चाहिए, बट सिक्वेंशियली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए ब्रिटानिया के नंबर्स में। थोड़ा सा जो कोविड के टाइम का पेंट अप एडिशनल डिमांड था अब ग्रेजुअली वहां पे कमी आ रही है, जो एक पॉजिटिव फीडबैक शायद इसमें से निकल के आए। आपको रॉ मटेरियल प्रेशर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे क्योंकि पाम ऑयल की कीमतें काफी नीचे गिरी हैं। तो अगर मार्जिन्स में थोड़ा ज्यादा एक्सपेंशन आता है, जैसा अभी आप बता भी रहे थे कि लगभग 13% जैसी तो प्राइस इंक्रीज वगैरह है, 2-3% वॉल्यूम इंक्रीज, तो पॉजिटिव है डेवलपमेंट वहां पे। बट रॉ मटेरियल साइड पे अगर प्रेशर थोड़ा सा ईज होता है मुझे लगता है वहां से थोड़ा बहुत सरप्राइज आ सकता है। बट स्टॉक ऑलरेडी कितना 50-51 टाइम फॉरवर्ड पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो कितना फॉरवर्ड अपसाइड बचता है वो मेरे को थोड़ा सा डाउट है।